समुद्रों को आर पार करो, तूफानों पे वार करो। क्या कहा? इश्क एक कथा है, तो ये कथा एक बार नहीं सौ बार करो। अगर ये एक खता उस दिन तेरे वाली से ना होती तो आज ये 100 खताएं कौम को देखने की नौबत ही नहीं आती। हाँ तो भाई, क्या चल रहा है आजकल? मुझे इश्क के चक्करों में डालकर वो अपने ईद की तैयारियां कर रही है। हाय बेवफा। कंट्रोल। टिकटॉक पर तो ये टूटा हुआ आशिक चल रहा है। वो अपने ईद की तैयारियां कर रही है। हाय बेवफा। ठीक है भाई, तेरे बाद मैं इन पहाड़ों में रहता हूँ। हाय, तेरे बाद मेरा इंसानों से भरोसा ही उठ गया। हाय, तेरे बाद मेरा इंसानों से भरोसा ही उठ गया। बेटा, आप इंसानों में रहने वाले लग भी नहीं रहे। तेरे बाद मैं इन पहाड़ों में रहता हूँ। बाकी हमें तो पीछे कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा, पीछे तो सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तूने अचानक किया मुझे बर्बाद करके। मेरी जान, तुझको तो मैं अपने अपनों से भी ज्यादा अपना मानता था। प्लीज भाई, ये जूम इन ना डाला करो, हमारे बच्चे डर जाते हैं। खुदकुशी आराम है मेरे मजहब में, वरना जीना और तेरे बगैर। मेरी जान, इन लीलायो इन रे ले जून। खुदकुशी आराम है मेरे मजहब में। बेटा, अगर खुदकुशी हलाल भी होती तो तेरे से फिर भी नहीं होनी थी। उसकी वजह, तेरे गले में डालने के लिए इतना मजबूत रस्सा ही नहीं मिलना था। यारो, लगा हुआ शायद की महफिल है, आज हमारा दिल बहुत उदास है। यारो, लगा हुआ शायद की महफिल नहीं। काका, रात हो गई है, प्लीज घर चले जाओ, वरना शायरी की महफिल का तो पता नहीं, यहाँ पर तेरी कोई और ही महफिल ना लग जाए। समझ रहे हो? जब जेब खाली हो ना, तो मोहब्बत भूखी मर जाती है। जब जेब खाली हो ना। रिलैक्स गाइस, यहाँ पर जेब से मुराद इसका पेट है। अगर तुम मेरे बाद भी मुझ जैसा किसी को पाओ, तो उससे मुझ जैसा ना करना। लो आज बताएं तुमको हम क्यों ऐसा क्या कर दिया भाई साहब? समझ रहे हो? समुद्रों को आर पार करो, तूफानों पे वार करो। क्या कहा? इश्क एक कथा है, तो ये कथा एक बार नहीं सौ बार करो। अगर ये एक खता उस दिन तेरे वाली से ना होती तो आज ये 100 खताएं कौम को देखने की नौबत ही नहीं आती। मैं 70 उरों का इकलौता दिलबर गया जो तुम पे मर, तो कमबख्त कुछ तो बात ही तुम में, वरना तू खुद ही सोच, 100 कड़ी लाइन में मुझे बनाने के लिए अपना हम सफर। मैं 70 उरों का इकलौता दिलबर। 70 हुरों का अकलौता दिल भर। सौ कड़ी लाइन में मुझे बनाने के लिए अपना सफर। रिलैक्स रिलैक्स, 100 लड़कियां लाइन में इसलिए लगी होती हैं क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको फ्री आटा बांटने की लाइन में लगाया हुआ है। गजब बेइज्जती है। औरत छोड़ देती उस मर्द को जो दिल में उसके लिए सच्ची मोहब्बत रखता हो। तो शुक्र है भाई साहब, आप हमारी वीडियोस पर तो आने लग गए हो, लेकिन अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्या बात करते हैं यार? तो यार, वीडियोस देखते हो तो लाइक के बाद ये लाल बटन भी दबा दिया करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके आगे शेयर करें। जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मुझे इश्क के चक्करों में डालकर वो अपने ईद की तैयारियां कर रही है। हाय बेवफा।